हाँ तो फ्रेंड्स, क्या आप RSGO में काम करते हैं? हाँ ज़रूर, आप RSGO में काम करते हैं, इसलिए आपने इस वीडियो में क्लिक किया है। तो फ्रेंड्स, आप RSGO में काम करते हैं लेकिन आप अपने डाउनलाइन का ID एक्टिव कर नहीं पाते या अपने डाउनलाइन खुद अपना ID एक्टिव नहीं कर पाते, तो वो आपको बोलते हैं कि सर आप मेरा ID एक्टिव कर दीजिए। तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्या आप भी ID किसी का एक्टिव करना नहीं पाते? तो डोंट वरी, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से अपने डाउनलाइन का या किसी भी की ID RSGO का ID एक्टिव कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनवारुल और आप देख रहे हैं गुड मोर अर्निंग। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, कैसे आप अपना RSGO किसी डाउनलाइन का ID एक्टिव कर सकते हैं। तो मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, और मैं दिखाता हूँ कैसे आप दूसरे के ID एक्टिव कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो आप पहले क्या करेंगे, अपना RSGO एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो रोज़ अपना ID लॉगिन करते हैं, सेम उसी तरह आप लॉगिन करेंगे जैसे कि आप टास्क करते वक्त लॉगिन करते हैं, आप उसी तरह आप अपना RSGO ID लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर क्लिक करके गो टू टास्क पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिए। मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे देखिए RSGO की साइड में लिखा है 3 डॉट, ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और पिन डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। पिन डिटेल्स के प्लस पिन परचेस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये पिन परचेस क्या होता है, क्योंकि एक ID का प्राइस है 124 रुपया, तो एक पिन का भी प्राइस है 124 रुपया, यानी कि आप जितने ID एक्टिव करना चाहते हैं उतनी पिन आपको बाय करना पड़ेगा। तो आप जितना ID एक्टिव करेंगे उतना पिन आपको बाय करना पड़ेगा, मतलब एक ID एक पिन। तो आप पिन परचेस पे क्लिक करेंगे। तो पिन परचेस पे आप क्लिक करते हैं, करने के बाद यहाँ पे जो डॉट ब्लिंक कर रहा है उस डॉट पे आप क्लिक करके कितना ID लेना चाहते हैं वो ID आप ले सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम आपको 2 ID लेना पड़ेगा, मतलब 2 ID से कम नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा ले सकते हैं। तो 2 ID का 224 रुपया होता है, 224 रुपया यहाँ पर हो गया। आप पे नाउ, यहाँ पे नाउ पे क्लिक करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ से पे करेंगे, वो पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम पहले देखेंगे कि कार्ड से देखेंगे कैसे आप कार्ड से अपना ID एक्टिव कर सकते हैं, उसके बाद यो नीचे वाला भी देख लेंगे। तो हम पहले कार्ड पे क्लिक करते हैं, कार्ड पे क्लिक करते हैं, पहले से मेरा कार्ड ऐड है तो मैं अनदर क्लिक करता हूँ। यहाँ से कार्ड पे क्लिक करके कार्ड नंबर देना पड़ेगा, कार्ड का एक्सपायर डेट देना पड़ेगा और CVV नंबर देने पर जो कार्ड के पीछे रहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वॉलेट पे क्लिक करते हैं, हम देख लेंगे यहाँ पे, देख लीजिए ये इसमें से कोई भी आपका पास वॉलेट है तो आप वॉलेट से भी पैसा कटा सकते हैं और अपना पिन परचेस कर सकते हैं, मतलब बाय कर सकते हैं। तो इसमें से अगर किसी पे आपका वॉलेट है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं UPI पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं UPI ID देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, मतलब जो भी आपके पास UPI ID है, या गूगल पे, फ़ोन पे या Paytm, किसी भी प्लेटफॉर्म में आकर UPI है तो UPI पे आपको यहाँ पे UPI ID देने के बाद आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम पे लेटर पे देखते हैं, यहाँ पे ICICI बैंक पे लेटर है तो आप वहाँ से भी ID एक्टिव कर सकते हैं। तो अभी हम करेंगे UPI ID से अपना ID एक्टिव। तो हम UPI ID पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना UPI ID दे देते हैं। तो हम अभी UPI ID दे देते हैं, वेट कीजिए थोड़ा सा। तो UPI ID देने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो जिस प्लेटफॉर्म का आप UPI ID दिए है रिडायरेक्ट होकर वहाँ पे चला जाएगा और UPI पिन मांगेगा। पिन देने के बाद ये आपका वहाँ से बैलेंस कट जाएगा और यहाँ से आपका पिन बाय हो जाएगा। तो इस UPI ID देने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद वहाँ पे रिडायरेक्ट होके वो कट जाएगा। तो वो पार्ट वीडियो का पार्ट मैं कट दूंगा, वो आपको नहीं दिखाऊंगा। तो आप अगर ID एक्टिव करेंगे तो आप वो ऐसे कर लेना, अपना पिन देके वो पिन बाय कर लेना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हमारा यहाँ प्रोसेस हो रहा है।
प्रोसेस होने के बाद आप थ्री डॉट पे वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वो चेक करेंगे पिन बाय हुआ कि नहीं हुआ, तो पिन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और अनयूज पिन पे आप क्लिक करेंगे। पिन डिटेल्स को क्लिक करने के बाद आप अनयूज पिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे हमारा दो पिन बाय हो गया है, हमने दो पिन बाय किए थे, दो पिन बाय हो गया। यहाँ आप पिन यूज़ करके कैसे करेंगे, मतलब आइडिया कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे पहले यूज़ पिन पे क्लिक करेंगे। यूज़ पिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़र आईडी मांगेगा। यूज़र आईडी का मतलब होता है जिसका आईडी आप एक्टिव करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर ही आईडी यूज़र आईडी होता है। तो आप वैलिड यूज़र पे क्लिक करेंगे, उसका नाम आ जाएगा। उसका नाम अगर आ गया है तो वो आईडी मतलब जेन्युइन है, मतलब वो आईडी है, वैलिड है। तो यहाँ से उसका नाम आ चुका है, मैंने देखा ये आंसर उल हक है। तो मैं डैशबोर्ड कर लेता हूँ स्क्रीन को, तो आप यहाँ से दोबारा दूंगा मैं। यूज़ पिन पे क्लिक करेंगे, उसका मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर ही उसका आईडी होता है। तो वैलिड यूज़ पे क्लिक करेंगे और उसका नाम आ जाएगा। उसका नाम आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज़ नाउ। यूज़ नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसका आईडी एक्टिव हो जाएगा। तो हम यूज़ नाउ पे क्लिक किए, वहाँ पे यहाँ पे लिखा आ रहा है एक्टिवेट, मतलब उसका आईडी एक्टिवेट हो चुका है, ये पिन हमारा यूज़ हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि सच में उसका आईडी एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा डाउनलाइन है। मैं टीम इंफॉर्मेशन में जाके उसका आईडी आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ से आप क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। पिन डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे अनयूज पिन। अनयूज पिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख लेंगे हमारा यहाँ पे एक पिन बचा है और एक पिन हमारा यूज़ हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे टीम इंफॉर्मेशन पे। तो टीम इंफॉर्मेशन पर आप देखने से आपको क्या करने का होगा, फिर से आपको वहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने का पड़ेगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ टीम इंफॉर्मेशन है, टीम इंफॉर्मेशन के देखने के बाद हमारा वो एक नंबर लेवल पे वो टीम था, तो हम एक नंबर लेवल पे क्लिक करते हैं और देख लेते हैं आंसर उलग था वो आंसर उलग स्टेटस आईडी एक्टिव दिखा रहा है, मतलब उसका आईडी एक्टिव हो चुका है। तो इसी तरह आप भी किसी का भी आईडी एक्टिव कर सकते हैं, मतलब आप में आपकी टीम में होना चाहिए वो ज़रूरी नहीं, आप किसी का भी आईडी एक्टिव कर सकते हैं, मतलब उसका आईडी आरएचजीओ में होना चाहिए, उसका वैलिड होना चाहिए। इसी तरह आप अपना आईडी एक्टिव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना। अगर नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। अगर आप किसी भी आरएचजीओ के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट ज़रूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।